काशीपुर में नगर निगम परिसर में दो पूर्व सैनिकों को डीजल डालकर जलाने का प्रयास किया गया, जिससे पूर्व सैनिकों में आक्रोश व्याप्त है। घटना के विरोध में पूर्व सैनिक संगठन के लोगों ने आज कोतवाली में पहुंचकर मामले की तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार नगर निगम में MSWM प्राइवेट लिमिटेड काशीपुर की ओर से पूर्व सैनिक डोर टू डोर कूड़ा प्रबंधन का काम संभालते थे। बीते रोज 3:30 बजे के आसपास इस कंपनी के मैनेजर सुविधान मान सिंह व उप प्रबंधक हर्षवर्धन को कुछ लोगों ने डीजल डालकर जलाने का प्रयास किया। दोनों के साथ मारपीट की गई। दोनों ने किसी तरह से अपने आप को उनके चंगुल से बचाया। इस घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व सैनिक संगठन आक्रोशित हो गया और आज तमाम पूर्व सैनिक इकट्ठा होकर पूर्व सेनानी एकता संगठन के अध्यक्ष के विक्रम सिंह के नेतृत्व में कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने इस घटना के दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई करने तथा पूर्व सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुरागी लाल न्यूज। मैं भूतपूर्व सैनिक हर्षवर्धन नगर निगम के डोर टू डोर सर्विस में का एक कर्मचारी हूँ, जो कि म्यूनसिपल MSWM काशीपुर प्राइवेट लिमिटेड में कल दोपहर 3:30 बजे के लगभग हमारे ऊपर पेट्रोल छिड़का गया। यहाँ पे मेरे और सूबेदार मान सिंह के ऊपर, जो कि ड्राइवर आलोक कुमार पुत्र रामगोपाल के द्वारा और उनके साथ 3 अज्ञात लोग थे, उनके द्वारा हमारे पर पहले पेट्रोल छिड़का गया, उसके बाद हमारे पर आग लगाने की कोशिश की गई। साथ ही साथ उनके द्वारा जो उनके जो साथ 3 लड़के थे, उनके द्वारा हमको मारा गया वहाँ पे काफ़ी, जिससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा मात्रा चोट आ गई। मेरा हाथ यहाँ पे हाथ में हो गई, गले में हो गया, पाँव में हो गया और हम दोनों को काफ़ी मात्रा ने मारा। इनका विषय यही था कि भैया हमारी सैलरी बताओ, हम यहाँ पे खुद कर्मचारी हैं, तो हमने उनसे ये कहा कि भैया यहाँ के जो ऑनर हैं, मालिक हैं, इस टेंडर के आप उनसे बात कीजिए, लेकिन उन्होंने इसको ना जानते हुए हमारे पर आग लगाने की कोशिश की। साथ ही साथ हमारे ऊपर लात घूंसे से बुरी तरीके से हमको मारा गया। उसके बाद हमारे सूबेदार मान सिंह साहब, जो कि भूतपूर्व सैनिक है, वो यहाँ कोतवाली में आए। कोतवाली में उन्होंने बताया, कोतवाली में से एक टीम वहाँ पे आई, उन्होंने वहाँ का मुलायजा लिया। मैंने खुद उनको बताया कि ये आलोक कुमार, इसके द्वारा ये किया गया, वहाँ पे डीजल गिरा हुआ था। यहाँ पे जो निरीक्षक, यहाँ के निरीक्षक थे, उन्होंने देखा अपने कि यहाँ पे वाकई में इनके ऊपर ये हुआ है। मेरा नाम सुधार मान सिंह है। मैं पैरा एसएफ से रिटायर्ड हूँ। कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर जो है एक MWS कंपनी जो डोर टू डोर के लिए यहाँ पर जो है लॉन्च हुई है, उसका मैं जो है अभी मैनेजर हूँ। तो हमारा 7वां दिन है यहाँ पर, जो कंपनी का रनवर डे है, 7वां डे रन था। कुछ लोग यहाँ पर जो हमने पुराने कंपनी के मैक्सिमम वर्कर और हेल्प ड्राइवर को रखा हुआ है, तो कुछ लोगों को नहीं रखा हुआ है। तो कई दिन से ये लोग जो है आपत्ति जता रहे थे कि हमको जो है सब रखो, हमारे भी यहाँ पर लोग होने चाहिए। उसमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जो हमारी जो कंपनी एक SOP निकाली थी कि इनको जो है कुछ हमारे को जो है वो दिया था कि भाई इस लड़के के पास ये होने चाहिए, जैसे कोई मतलब ये कंपनी को हायर करने के लिए या एक चीज़ को रखने के लिए शर्तें रखी जाती है। जो उन शर्तों में हमारे अंदर आया था, हम उन लड़कों को रखा था, और जिसका बैकग्राउंड पहले से ही ख़राब था, तो हमने अदर सूत्रों से भी पता किया था, उनका बैकग्राउंड ख़राब था, तो उन लड़कों को हमने एम्प्लॉय नहीं किया था। उसमें से कुछ लोग जो है कोई कई दिन जो है भड़गुलेशन करते रहते थे। उसमें एक जो है यहाँ पर यूथ के लीडर जो है हरीश रत्नाकर जी हैं, तो 2-3 दिन पहले वो लोग भी आए थे। उन्होंने हमारा मैनेजमेंट से बातें की, तो उनके अंदर अंदर क्या बातें हुई, क्या नहीं हुई, हम जो MNA सर के पास भी गए थे। कल शाम का जो ये मामला था, करीबन 2:30 बजे का मामला था, वहाँ पर कुछ लोग आते हैं। मैं MNA सर के ऑफिस में गया था, वहाँ से तो मेरा तो ऐसी था हर्षवर्धन, उसका कॉल आता सर बाहर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लोग आ गए। तो कुछ लोग आगे दारू पिए हुए हालत में थे, 3-4-5 लोग सिगरेट विगरेट पी रहे थे। आने के बाद हम अपने रूम में गए। रूम के आने के बाद हम वहाँ बैठे थे, आपस में डिस्कस कर ही रहे थे कि यार इनका क्या होगा, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। इतने में जो है कुछ लड़कों के पास हमने जो है डीजल की बोतल देखी, और डीजल की बोतल देखने के बाद फिर हमने सोचा नहीं यार, मैंने बोला यार ये हर से तो 2-3 एम्प्लॉय मेरे पास जो यहाँ के सिविल एम्प्लॉय थे, नीरज, शोभिन, वहाँ पर पंकज, वो लोग बैठे थे, आपस में डिस्कस कर रहे थे क्या होगा भाई, इनको क्या हो गया, क्यों ये जो दारू पी के घूम रहे थे। अचानक बंदा जो है पूरा हमारे ऊपर जो है वो डीजल की बोतल और पेट्रोल को छिड़क देता है रूम के अंदर, पूरे हमारे दोनों लड़कों के, जो लड़के हमारे सिविल एम्प्लॉय थे उनके ऊपर भी गिर गए।
अब हमने सोचा यार भाई, उन्होंने बोला बाहर आओ, मैंने बोला यार इनका वीडियो बनाना सोचता हूँ। क्यों ही मैं वीडियो ऑन करके लिखा करपन 8-7-8 मिनट की वीडियो बना के, वो लोग मेरे मोबाइल छीनना आ गए। मोबाइल छीनना आ गए तो झीना झपटी शुरू हो गई। अकेला था उधर, वहाँ पर जो 2-3 लोग बैठे थे उन्होंने ये सपोर्ट नहीं किया कि चलो एक बंदे पे झपट रहे तो हम भी इनका वो करें, साथ दें थोड़ा। मेरा जो साथी था वहाँ पर हवलदार हर्षवर्धन, वो जो है जो ही मेरे पीछे बचाव के लिए आया तो उन्होंने उसको पकड़ के वो जो हमारी कोठड़ी थी उसके अंदर डाल दिया। मैं जैसे तैसे करके वहाँ से अपना बचाव करके सीधा जो है पुलिस चौकी में आ गया भागते थे। 3 लड़के मेरे साथ डंडे के पीछे पड़े यहाँ बीच रोड में, वो ट्रॉली के साथ उलझ गए तो मैं वहाँ से निकल गया। यहाँ पर आके मैंने QRT के लिए बताया पुलिस चौकी में, जो भी लोग थे मैंने बोला कि भाई निगम ऑफिस में ऐसे ऐसे हो गया हमारा, वहाँ पर जो है आग लगाने वाले हैं वो, तो यहाँ से QRT एक्टिवेट होके वहाँ चले गए। उसके बाद जो हमारा लड़का था वहाँ पर हर्ष के साथ, उन्होंने अकेला पड़ गया था, उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की। मेरा तो हाथ में लग गया था इधर, क्योंकि जब मोबाइल नहीं छूट रहा था कोई इधर से मार रहे थे उधर, तो मेरे हाथ पर काफ़ी जो है उन्होंने जख्म किए। पर लेकिन हम सेना में रहने के द्वारा हम हर चीज़ थोड़ा बहुत जैसे तैसे करके मार दोगे। 2-3 को तो मैंने लड़का ही दिया था उधर, क्योंकि वो दारू पिए हुए थे, उन पर खुश होश नहीं थी कि मैंने कितना किसी पर जो है क्या करना। लेकिन जो कुल मिला के जो गुटबाजी था उनका, एक लीडर आलोक हो तो वहाँ पर वो भी पहले आया हुआ था, मेन लीडर जो है वही है इनका, और वो गुट बनाने के लिए क्यों गुट बना रहे, क्या गुट बनाए ये लोग आपस में जानते हैं, हमारे को इन्होंने कुछ नहीं बताया। किस लिए वजह से इन लोग जो है हमारे पे पेट्रोल छिड़क रहे थे ये वो लोग खुद जानते हैं। अगर हमारे पास मेरे पास अगर मैंने उनको कुछ बोला है या उनके खिलाफ़ कुछ किया है तो मैंने तो आज तक जो है अपने हिसाब से मेरे पास कुछ ऐसा उनकी जो है गलत रिपोर्ट नहीं है। अगर उनके पास है तो वो जो है पेश कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ऐसा करके जो है एक एक्समैन के खिलाफ जो है एक कार्रवाई करना इनके लिए जो है गलत है। हम यहाँ पर जो है यही चाहते हैं कि इनको जो है तुरंत जो है FIR करके जो है इन लोगों को जो है कैद में लिया जाए, छानबीन करके इनको जेल भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जो है खुद भी नहीं काम छोड़ना चाहते हैं और ना ही दूसरे को काम छोड़ना चाहते हैं। धरना देंगे तो एक जो बेरोजगार लेबर है धरना दे के उसकी तनख्वाह शाम को कौन देगा। अभी मैं वहाँ पर गया था, वहाँ जो है 19 लोग जो है ऐसे बैठे हैं, साहब आप लोग ऑफिस में आए नहीं, आज हम रोटी हमारी नौकरी चलनी है, हम क्या खाएंगे। तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो अपने धरने में बैठाने के लिए शुरू करें, लेकिन ये नहीं देख रहे कि शाम को जो है हमने एक लेबर का जो है पैसा कौन देगा। धरने वाले धरने में बैठ रहेंगे, बाकी जिनकी तनख्वाह वो तनख्वाह खाते रहेंगे, ये एक वर्कर के बारे में नहीं सोच रहे हैं।